मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और टाइम 7 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, जबकि 5:30 बजे सबको उठा दिए थे गांव में जाना। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बता दिया होगा सुने, गांव में जाना आज, और सुबह से बस भागा दौड़ी चल रही है और ये लग रही है सुबह, मैं दिखा दूं आपको। गुड मॉर्निंग जी, लो चाय और बिस्कुट के साथ है आज। गुड मॉर्निंग, और अब चलने की तैयारी हो रही है, बस फटाफट लग रहे हैं अपने काम पे। और आज आपको गांव का ही ट्रिप दिखाएंगे, गांव में ही जाएंगे और आज का जो भी लोग होगा गांव का होगा। बस अभी तो पहले चलेंगे, रास्ते का दिखा देंगे आपको, फिर वहां जाके दिखाएंगे क्या होगा वहाँ, कैसे काम वगैरह जो चल रहा वो सब दिखाऊंगी। और बच्चे पूरे एक्साइटेड हैं गांव में जाने के लिए। जानो बस एक मिनट में पहुंच जा। इस रात 3 बजे उठी थी, हम कह रही मम्मा, मैंने सोच रही थी बस सोना ही तो अन्नी तो फिर मुझे उठा नहीं जाने का। चलो फटाफट है, चलो क्या ना, बस मैं लेता। तो जी हम हो गए हैं तैयार, ये देखिए बच्चे भी, मैं भी हो, जैकेट कैप वगैरह हमने सब में लगा ली। कुछ नहीं लगाई मेरी येरी, अच्छा, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। फिर गाड़ी में हमारे से ना शीशे बंद करके नहीं बैठा जाता, इसलिए तो हम ना क्या पूरे पूरे चौका सौका चल रहे हैं, जो जो सर्दी कहीं को भी ना लगे बिल्कुल भी। तो जी चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। कौन सा सो गया है? सारे जाग रहे, तो नींद नहीं आ रही बेटा? रही तो नहीं खराब हो रहा कोई सका? देखो जी कोहरा कितना है, और जब चले थे वहां तो कोहरा नहीं है, पंचकुला तक कोई कोहरा नहीं था। अभी पंचकुला निकलते ही थोड़ा थोड़ा आ गया, और अब तो बहुत ज्यादा है। डेरा बसी से आके निकल गया हम, और यहाँ पे कोहरा ही कोहरा है, वाहन सारे ही धीमे हो गए, सभी वाहनों की स्पीड बहुत धीमी होगी। अब देखो सेज ही चलना पड़ेगा हमें भी। तो फ्रेंड्स 10:30 बज गए लगभग, और बच्चों को भूख लग गई थी, इस होटल पर रुके। कोहरा बहुत ज़्यादा है, देखो रोड भी चमक रही। तो यहाँ पे इस होटल पर रुके हम, अब थोड़ा नाश्ता पानी कर लेंगे और तब चलते हैं। क्या मंगवा रहे तुम? दही पर अच्छा है। चलो नाश्ता हमने कर लिया, और अब हमने चाय ऑर्डर की है, चाय पियेंगे कब, क्योंकि ठंड हो रही बहुत बहुत कोहरा है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी तो रास्ते में ही है, लगभग कितने देर का रास्ता? 1.5 घंटे का रास्ता। हाँ, क्योंकि दूर भी है और फिर कोहरा पड़ रहा, तो धीरे धीरे ही चला जा रहा। और मैं तो अब तक के पहुँच जाते, 4 घंटे ही लगते हैं। 11 बज गए, 7 बजे चले थे हम। थोड़ी दूर मिलेगा ऊपर से, आगे शायद वो मिलेगा, धूप निकल रही होगी। चलो देखते हैं, अगर मिल गई तो और बढ़िया, जल्दी पहुंच जाएंगे। अन्य कोहरे में तो टुकर टुकर ही चलो जाओ।
जी हो गया हमारा नाश्ता पानी चाय पी ली, और अभी थोड़ा सा मौसम लग रहा खुला हुआ था, वरना जब यहाँ पर रुके थे तो बहुत ज़्यादा कोहरा था। तो देखते हैं रास्ते में भी लगा या नहीं, अब चलते हैं। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा जाने में, शायद 11 बज गए, एक ही बज जाएगा जब तक घर पहुँचेंगे। बस तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का टूर अपना। देखिए जी हम पहुंच चुके हैं शामली। शामली में एंटर करके और धूप निकल गई, कोहरा छट गया। अब गांव में जाने में लगभग एक घंटे में पहुंच जाएंगे, लगभग सवा भी शायद नहीं लगेगा अगर जाम ना मिला। शामली में वैसे तो अक्सर जाम मिला है क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम में गन्नों का सीजन चल रहा, और यहाँ का जो मील है वो है शामली के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे जाम लगा रहता है। अगर जाम ना मिला तो एक घंटे में पहुंच जाएंगे, जाम अगर जाम मिला तो फिर टाइम लगेगा, फिर तो पता ही नहीं। देखिए जी इशू होगी परेशान, शामली में तो निकलने में टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा सा जाम लग रहा था, ज़्यादा हैवी तो था नहीं, लेकिन 20-21 मिनट फालतू लग गए होंगे, 20-22। अरे बार बार पूछ रही हो और कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, है जल्दी जाना क्या तुझे? अच्छा बस थोड़ी सी देर तुझे घर ही ले जाकर छोड़ेंगे, रास्ते में कहीं नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? बस बेफिक्र हो गए, सो जा तू, खा देंगे हम तुझे वहीं, है बेटा? एक घंटा सो ली तू, चल कोई बात नहीं, तो तुझे काकी खिलानी दिखे है, काकी को खिलाने का मन कर रहा तेरा, समझ गया मैं तेरी बात। और सब गहरी निद्रा में है, गुड्डू भी और गुड्डू की माँ भी। गुड्डू अरे चश्मा लगा रखा हमने, और जो सपना दिखन लगा उसे कोई बिना चश्मे के कैसे साफ दिखेगा? चश्मा लगा के सो फिर सपना सही आवेगा। अच्छा चल ठीक है, इसमें है हमारा स्कूल जिसमें हम पढ़क रहे थे छोटे छोटे से। हाँ इसका गेट दूसरी साइड है, परली साइड। हाँ बहुत पुराना हो गया, ये आ गया जी हमारा गांव। क्या टाइम हो गया होगा, 12:30 बज गए होंगे, 12:30 बज गए जी। गांव में आते आते हमें बहुत टाइम लगा, ये आ गया जी मंदिर हमारे गांव का, और ये आ गया घर। अभी हम आ गए हैं गांव में, ये देखिए यहाँ से आपको बताइए कि क्या होगा, कैसे मकान बन गए नीचे जगह नहीं। और यहाँ पहले आपको छोटी गुड़िया दिखा देती हूँ, ये भी क्या कर रही यार, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। उसको ईशु खिलाने में लग रही है, मेरे पास नहीं आती है, और ईशु के पास एकदम से आ गई है ना। हाँ और यहाँ रुचि बना रही, खाना क्या बनाया रुचि? आज रुचि ने मजे मार दिए, कढ़ी चावल बना दिए, कढ़ी चावल बना दिए, और मम्मी भी है रही, तो मिस्त्री खाना बना रही है अब। अच्छा अब मिस्त्री खाना खाएंगे, 1 बज गया, तो मम्मी इनकी तैयारी कर रही देने की, रुचि बना रही, तो मैं भी दिलवा देती हूँ। तो मैं भी भूख लग रही, कढ़ी चावल बना रही,
और बच्चों को भी भूख लग रही, तो मैं दे देती हूँ खाना, फिर मिलूंगी थोड़ी देर में आपको। तो जी अब हो गया शाम का टाइम और हम दोनों बहनें जा रहे हैं दूध निकालने के लिए घेर में। और पहले आपने देखा होगा गाय यहीं बंदी रहती थी, लेकिन अब जो है गाय का शिफ्ट कर दिया घेर में सारा, तो हम वहीं जा रहे हैं, वहीं लाएंगे दूध निकाल के रुचि और मैं। देखती हूँ अगर मुझे बिठाएगी तो मैं निकाल लूंगी, वरना फोन ऊपर अक्का दीदी की क्लास चलेगी। तो बस चलते हैं घेर में, वहीं दिखाऊंगी आपको घेर का एरिया सारा और दूध भी निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए ये सामने वाली गली है हमारी और ये है हमारा घेर, ये बन गया। पहले आपने देखा होगा ये पुराना था, मतलब अब ये दोबारा बनवाया, दरवाजा भी चेंज हो गया इसका। तो देखिए ये सारा चेंज हो गया यहाँ पे, ये दोबारा बनवाया, पहले मतलब खराब हो रहा था, नीचे में था बहुत। तो यहाँ गाय हमने अब यहीं पे ही बांध दिया, एक तो वहाँ पे खुला था, ठंड लगती थी बहुत, और ये ऊपर से इसके टीन डलवा दी तो यहाँ ठंड नहीं लगेगी, और अंदर का ये है जो ये पूरा छपवा दिया कमरा, तो यहाँ ठंड में सर्दियों में आराम से रहेगी, यहाँ निवास रहती है। तो ये करवा दिया है अच्छी तरीके से, अभी यहाँ पे फर्श नहीं डला क्योंकि मिट्टी अभी डली ना, ऊंचा करवाया, तो अगर फर्श करवा देंगे तो वो अभी बैठ जाएगा। मिस्त्री ने बोला कि अभी थोड़े दिन बाद करवाऊंगे फर्श, है ना। और एक बछड़ी है, और जो ये गाय है इसका दूध निकाल लेंगे, और इसकी ये है एक बछड़ी। और पहले यहाँ आपने दो गाय देखी होगी, लेकिन अब एक ही है, एक दे दी क्योंकि मम्मी से होता नहीं ज्यादा काम इसलिए। चलो भाई ठीक हो, नहीं यहाँ से दिख रहा है ना। तुम्हें कहाँ तड़ रहा है आपका अड़ गई। अच्छा तो दीदी तो हाथ बंडा की बार रंग हो रहा है। आ रहा उस वाले से भी पीला आ रहा। नहीं उस वाले का मतलब नहीं आ रहा, तो उसमें से उसको एक बार करके तो देखो, एक बार करके तो देखो उसको मम्मा। एक बार करके तो देखो उससे, देखो आ रहा है। तो रहा कम आ रहा, वहाँ पता ही लगता राम कर भी। अब दिन कद कुल किरार कद कुछ छिपिया हो तो मतलब से बड़े रहने वाले। नहीं मैं भी करके देखो दूध काट के बाद में देखे, पहले मैं काट लू फिर कर दिया पूछ जा। इसका बाप को कर गया या पूछ दिया ऐसे क्यों बनवाया दरवाजा।
खर्चा पर कहीं इतनी दीवार छोटी करवाई फिर बड़ा सा करवाते फिर कहीं भी आज की तू और थोड़ी सी इसके जितनी करवाते तो जितना ही हो इतना ही दरवाजा लगवाते। हाँ तो क्या हुआ येलो सा क्या है? येलो सा दूध में गाय का येलो ही होता है दूध का। बना रही तू वीडियो बनाई? ये जितना यहाँ टीन है इतना करवा गए इतना ही दरवाजा लगवाते ऊंचा सा। फिर यो बढ़िया कमा दरवाजा नहीं मां बंद कर रही मैं। आराम से आराम से आराम से चलना नहीं आता बेटा इसमें देख डर रही डर रही। तो जी दूध निकाल लिया है अब चलते हैं घर। बस अब खाना खुना बनाएंगे शाम का और वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।